परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है, कोई क्षति दी है, एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं। लेकिन कभी कभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उसकी एक कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है, एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है, जो अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हैं उस अपने काबिलियत की ओर, तो ध्यान जाता है, अरे वाह ये कैसे करता है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त तो शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें।